आज हम सब न्यूज में आपका स्वागत है। जिले की तमाम खबरों के साथ मैं हूं आरती शर्मा। आइए नजर डालते हैं अब तक की अहम खबरों पर। सूर्य मंदिर पर 3 अगस्त को महंत करेंगे चातुर्मास। योगाभ्यास कर मनाया विश्व योग दिवस। मेहतर समाज ने भर्ती में वरीयता हेतु दिया ज्ञापन। मनरेगा कार्मियों का धरना 22वें दिन भी रहा जारी। सेवारत अध्यापकों का जिला स्तरीय प्रशिक्षण संपन्न। कृषि भूमि में परियोजना आने से बढ़ी किसानों की चिंता। आंगनबाड़ी में विधिक जागरूकता शिविर आयोजित। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस पर कार्यक्रम आयोजित। आधार कार्ड नहीं बनने से कैसे लेंगे स्कूलों में दाखिला। उज्ज्वला योजना के तहत हुआ गैस कनेक्शन वितरण। आहोर माधोपुरा सड़क पर फैला कीचड़ बना परेशानी। पढ़िया ने किया बिल महासंघ ग्राम इकाई का गठन। कूड़ा ध्वेचा में हुआ नवीन विद्यालय का उद्घाटन। शंखुवाली में बढ़ रहा डेंगू का प्रकोप। शिवसेना की रानीवाड़ा तहसील कार्यकारिणी गठित। और अब समाचार विस्तार से। सिरे मंदिर पर 3 अगस्त को महंत करेंगे चातुर्मास। अंबालाल माले की रिपोर्ट के अनुसार जालौर के भैरवनाथ जी के अखाड़े में गंगानाथ जी महाराज के सानिध्य में सर्वधर्म प्रेमियों व गणमान्य नागरिकों की आम बैठक रखी गई। प्रवक्ता अंबालाल माले ने बताया कि चातुर्मास को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई है एवं सर्वधर्म प्रेमियों से राय मशविरा कर कार्यक्रम की रूपरेखा बनाई गई। उक्त कार्यक्रम को सुचारू रूप से करने हेतु अलग अलग कमेटियां बनाई गई व साथ ही पंडित प्यारेलाल श्रीमारी द्वारा गंगानाथ जी महाराज के चातुर्मास हेतु सिरे मंदिर पधारने व शोभा यात्रा निकालने का मुहूर्त निकाला गया जो 3 अगस्त 2018 श्रावण वद छठ को तय किया गया है, जिस पर सभी आगंतुकों ने गंगानाथ जी महाराज का जयकारा बोलकर सभा विसर्जित की गई। इस मौके पर भैरवनाथ अखाड़े के व्यवस्थापक पारसमल परमार, अमर सिंह जी महेशपुरा, पप्सा अग्रवाल, गोकुल जी प्रजापत, ओवराम देवासी सहित कई सर्वधर्म प्रेमी व गणमान्य नागरिक उपस्थित थे। योगाभ्यास कर मनाया विश्व योग दिवस। राजेश शर्मा की रिपोर्ट के अनुसार जिला मुख्यालय जालौर पर आज 22 मई विश्व योग दिवस के उपलक्ष्य में पुलिस लाइन में ब्रह्मा कुमारी याज योगी तत्वाधान में योग दिवस मनाया गया, जिसके दौरान योग व भारतीय परंपरा के बारे में जानकारी देकर जवानों को योगाभ्यास करवाया गया। इस दौरान जिला कलेक्टर डॉक्टर बाबूलाल कोठारी, अतिरिक्त जिला कलेक्टर नरेश बुनकर, ब्रह्मा कुमारी रंजू बहन, रमेश वैष्णव और डॉक्टर श्रीराम वैद्य मौजूद रहे। मेहतर समाज ने भर्ती में वरीयता हेतु दिया ज्ञापन। मेहतर समाज जालौर ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन लेकर नगर परिषद में आई सफाई कर्मियों की भर्ती में मेहतर समाज को प्राथमिकता देने की मांग की। उन्होंने बताया कि भर्ती के दौरान नियुक्ति लॉटरी पद्धति से करने के बजाय परंपरागत तरीके से समाज को वरीयता दे ताकि नियमित सफाई हो सके। उन्होंने बताया कि अन्य जाति के लोग नियुक्ति के बाद अन्य पदों पर कार्य करते हैं और सफाई व्यवस्था वहीं अटक जाती है। मनरेगा कार्मियों का धरना 22वें दिन भी रहा जारी। जालौर से उजर सिलावट जिला मुख्यालय से रिपोर्ट के अनुसार सोमवार को पंचायत समिति के पीछे धरने पर बैठे महात्मा गांधी नरेगा कर्मी का 22वें दिन भी अनिश्चितकालीन धरना, 2013 की भर्तियों को पूर्ण करने की मांग एवं नियमितीकरण करने को लेकर 22वें दिन भी धरना जारी रहा। संविदा कर्मियों का कहना है कि वर्तमान सरकार पिछले काफी समय से आश्वासन पर आश्वासन दे रही है, जिसको लेकर संविदा कर्मियों का 22वें दिन भी धरना जारी रहा है। ये जानकारी MIS मैनेजर जिला परिषद जालौर दिनेश चौधरी ने दी। इसी तरह बागुड़ा से निर्मलदान राव की रिपोर्ट के अनुसार उपखंड मुख्यालय पर पंचायती राज मंत्रालय कर्मचारी संगठन के आह्वान पर उप शाखा अध्यक्ष रमेश चौधरी के नेतृत्व में मनरेगा संविदा कर्मियों के आंदोलन के समर्थन व विभिन्न मांगों को लेकर पंचायत राज मंत्रालय कर्मचारियों के आंदोलन को सफल बनाने के लिए 3 दिवसीय ठंडा पानी व शरबत पिलाने का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। मंगलवार को सिंधरी चौराहा मोरसिम सड़क पर जीपों में सफर करते यात्रियों व राहगीरों को रोककर शरबत पिलाई गई तथा उनसे आशीर्वाद दिया कि सरकार उनकी मांगे स्वीकार करे। सेवारत अध्यापकों का जिला स्तरीय प्रशिक्षण संपन्न। सुरेश गर्ग रोडला की जानकारी के अनुसार जालौर जिला मुख्यालय में आज मंगलवार को आदर्श राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय आहोर रोड जालौर में राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित सेवारत प्रशिक्षित अध्यापकों के लिए प्रारंभिक शिक्षा के प्रथम वर्ष के अंतर्गत 12 दिवसीय कार्यशाला आधारित गतिविधियों के तहत आज प्रशिक्षण अंतिम दिन का संपन्न हुआ, जिसमें जिले भर से आहोर, जालौर, रानीवाड़ा,
चितलवाना से प्रशिक्षणार्थी ने प्रशिक्षण लिया। कार्यक्रम के केंद्रीय समन्वयक अमर सिंह राजपुरोहित, कार्यक्रम प्रभारी कांतिलाल राजपुरोहित, देवेंद्र कुमार नाग, देवीलाल गहलोत, श्रीमती शकुंतला जी द्वारा प्रशिक्षण प्रदान किया गया। वहीं डूंगाराम विराज प्रदेश संयुक्त एकीकृत महासंघ सदस्य ने बताया कि यह पाठ्यक्रम शिक्षा कर्मी, पैरा टीचर, पंचायत सहायक, संविदा शिक्षक एवं डीजी व सरकारी विद्यालय में कार्यरत सेवारत शिक्षकों के लिए शुभ अवसर प्रदान करेगा। इस मौके पर सावर सिंह भाटी, ओम प्रकाश चुंडा, सावराम घाणा, ममता भाटी, इंदिरा भाटी, सुरेश मोरवा, रेखा राठी, जगदीश सिंह सहित कई लोग उपस्थित थे। कृषि भूमि में परियोजना आने से बढ़ी किसानों की चिंता। समर्थराम संदेशा उन्नडी की जानकारी के अनुसार जालौर जिले के क्षेत्र गांव सात्रो पंचायत कूड़ा तहसील रानीवाड़ा के गांची दीपाराम मसराम रमेश कुमार पुत्र सोमा जी की भूमि के खसरा नंबर 416/417 आए हुए हैं। उक्त भूमि पर जहां माइक्रो सिंचाई परियोजना बनाई गई है, यह भूमि गांची दीपाराम मसराम रमेश कुमार पुत्र सोमा जी निवासी कवराणा वाले के नाम पर है। इन परिवारों का कहना है कि उनकी भूमि के अंदर ये परियोजना आने से हमारा एकमात्र कार्य खेती नहीं होने से हम बेरोजगार हो जाएंगे, जिस पर उन्होंने जिला कलेक्टर से मिलकर मुआवजे की मांग की है। वहीं उनके पेट का, परिजनों के निर्वाह व बच्चों की पढ़ाई का भार भी उन पर है। आंगनवाड़ी में विधिक जागरूकता शिविर आयोजित। कांतिलाल मेघवाल की रिपोर्ट के अनुसार आंगनवाड़ी केंद्र हरियाली में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जालौर के पूर्वकारी न्यायाधीश पवन कुमार काला के आदेशानुसार महिलाओं के साथ गठित होने वाले अत्याचारों के कानून पर विधिक चेतना व जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर पैरालीगल वॉलंटियर रमेश कुमार बेदाना ने महिलाओं के अधिकारों में अपहरण, लज्जा भंग, कार्य स्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न की रोकथाम के लिए उपाय, वही असामाजिक कुरीतियों पर रोक में मृत्यु भोज, कन्या भ्रूण हत्या, दहेज प्रथा के विस्तार पूर्वक ग्रामीण महिलाओं को जानकारी दी गई। इसी के साथ विभिन्न योजनाओं की जानकारी देकर पैम्पलेट भी वितरित किए गए। वही साथ में लोक अदालत के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी भी दी गई। इस अवसर पर मौजूद सरपंच अरुणा कंवर, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता रिंकू देवी, सहायिका शांति देवी, पीएलबी हरीश कुमार, राजकुमार बाराड़ा, आशा सहयोगिनी गीता देवी, एजुकेट गर्ल्स भाग्यश्री कंवर सहित अन्य कई महिलाएं मौजूद थे। इसी तरह राम सिंह से राजू सिंह राव की रिपोर्ट के अनुसार निकटवर्ती मुड़तरा सिरी के अटल सेवा केंद्र में मंगलवार को राजस्व लोक अदालत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। राजस्व लोक अदालत कार्यक्रम आयोजन उपखंड अधिकारी दौलत राम चौधरी की अध्यक्षता में हुआ। भीमार उपखंड अधिकारी दौलत राम चौधरी ने बताया कि शिविर के माध्यम से कई सालों से राजस्व मामले के विवादों को निपटाने का कार्य किया जा रहा है। समाचारों का सिलसिला जारी रहेगा। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। पोलट्रेक पेश करते हैं नया यूरो 50, देश का नंबर वन किफायती ट्रैक्टर। एमएस मोटर्स अधिकर्ता विक्रेता पोलट्रेक ट्रैक्टर्स की समस्त वैरायटी, सेल्स सर्विस एवं पार्ट्स। इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप के पास बागुड़ा रोड सियावट पोषाण। संपर्क करें नारायण सिंह दहिया, मोबाइल नंबर 9602601355 या 9549130353। नाकोड़ा टाइल्स, टाइल्स की सैकड़ों वैरायटी, फर्श, किचन और एलिवेशन की शानदार डिजाइनों के साथ संपूर्ण सैनिटरी किफायती भाव में मिलने का एकमात्र स्थान नाकोड़ा टाइल्स, नारायण पथ, मानपुरा कॉलोनी, जालौर। Audio Jungle.
अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस पर कार्यक्रम आयोजित। मोहतरान से जगमाल सिंह राजपुरोहित की रिपोर्ट के अनुसार साला में आज अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस के अवसर पर वन विभाग नर्सरी में ओपन संरक्षक अनिता के दिशा निर्देशन में आयोजित समारोह में जिला कलेक्टर बीएल कोठारी जालू की अध्यक्षता में जैव विविधता पर प्रकाश डाला गया एवं जल जंगल जमीन को बचाने संरक्षण संवर्धन की मुहिम में जन सामान्य की भागीदारी सुनिश्चित करने की अपील की गई। इस अवसर पर साला उपखंड अधिकारी मुरारीलाल शर्मा एवं तहसीलदार ताराचंद, विकास अधिकारी छुगाराम बिस्नोई एवं जिला पर्यावरण समिति के सदस्य मुरारी दान चारण, सहायक वन संरक्षक जयदेव सिंह चारण, क्षेत्रीय वन अधिकारी पुराराम सहित अधिकारीगण व अन्य लोग मौजूद रहे। इस अवसर पर महिलाओं, बच्चों एवं ग्रामीणों की भागीदारी व सभी आगंतुकों को अल्पाहार व पौधे वितरण कर कार्यक्रम का समापन किया गया। आधार कार्ड नहीं बनने से कैसे होंगे स्कूलों में दाखिले। बागुड़ा से रिडमलदान राव की रिपोर्ट के अनुसार उपखंड मुख्यालय के ग्राम पंचायत भवन में स्थापित ई मित्र केंद्र पर 20 दिनों से आधार कार्ड नहीं बनने से सरकारी स्कूलों में नवीन दाखिला लेने वाले बालकों को आधार कार्ड के अभाव में परेशान होना पड़ रहा है। कस्बे के छात्र मनीष सिंह ने बताया कि ग्राम पंचायत के अटल सेवा केंद्र में स्थापित ई मित्र पर 20 दिनों से आधार कार्ड बनाने की मशीन बंद होने से उसका आधार कार्ड नहीं बनाया जा रहा है। इस वजह से उसका सरकारी विद्यालय में प्रवेश नहीं मिल रहा है। इमित संचालक जानूराम चौधरी ने बताया कि कई दिनों से उसकी आईडी बंद होने से उसने जिला मुख्यालय व जयपुर हेल्पलाइन से फरियाद कर रखी है लेकिन 20 दिनों से कोई सुनवाई नहीं हो रही है। वहीं वर्कांगी कंपनी के राजेंद्र जैन जारू ने बताया कि मुझे जानकारी नहीं है और मशीन या आईडी बंद है तो इसका भी समाधान शीघ्र कर दिया जाएगा। उज्ज्वला योजना के तहत हुआ गैस कनेक्शन वितरण। रमजान खान की रिपोर्ट के अनुसार पुनासा के निकटवर्ती थुवाऊ ग्राम पंचायत के अटल सेवा केंद्र पर आयोजित राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार कैंप में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत पुनासा इंडियन ग्रामीण वितरक पुनासा गैस एजेंसी द्वारा गैस कनेक्शन फ्री में बांटे गए जिसमें मुख्य अतिथि गण भीलमार के उपखंड अधिकारी दौलत राम चौधरी, थुवाऊ सरपंच द्वारा महिलाओं को गैस कनेक्शन वितरण किए गए। वहीं शिविर के दौरान नए आवेदन भी प्राप्त किए गए। गैस एजेंसी संचालक खुमान सिंह पुनासा ने बताया कि उज्ज्वला योजना के तहत थुवाऊ ग्राम पंचायत में 10 गैस कनेक्शन दिए गए हैं। आहोर माधोपुरा सड़क पर फैला कीचड़ बना परेशानी। महबूब खान की जानकारी के अनुसार पिछले 4 वर्षों से आहोर माधोपुरा मुख्य सड़क पर फैला कीचड़ परेशानी का सबब बन रहा है। कोई भी अधिकारी ध्यान नहीं दे रहा है। सरपंच, विधायक, आला अधिकारी को अवगत कराने के बाद भी समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। वही पास में संचालित सरकारी स्कूल है, ऐसे में बच्चों को बीमारियों का डर बना हुआ है। राहगीरों को आवागमन में परेशानी हो रही है लेकिन ग्राम पंचायत और प्रशासन इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रही है। पढ़ियाणी क्या भील महासंघ ग्राम इकाई का गठन। कांतिलाल मेघवाल की रिपोर्ट के अनुसार देवड़ा गांव में निर्माणाधीन बाबूजी महाराज मंदिर प्रांगण में भील समाज की बैठक का आयोजन अखिल भारतीय आदिवासी भील महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरसिंह पढ़िया के मुख्य आतिथ्य व मेवाराम भील की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। बैठक में देवड़ा भील समाज ग्रामीण इकाई का गठन किया गया जिसमें 11 सदस्यों की कमेटी का गठन कर उनका स्वागत किया गया। बैठक को संबोधित करते हुए पढ़िया ने कहा कि समाज में कोई भी सामाजिक कार्यक्रम के आयोजन में बीड़ी, अफीम, डोडा का प्रचलन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। वहीं उन्होंने कहा कि चुनाव के समय किसी के प्रभुलन में न आए एवं समाज हित में अपना निर्णय ले। पढ़िया हमेशा जनहित के कार्यों में हमेशा आगे आते रहते हैं। कूड़ा द्वेचा में हुआ नवीन विद्यालय का उद्घाटन। बागुड़ा से निर्मलदान राव की रिपोर्ट के अनुसार मंगलवार को उपखंड के जिसावास पंचायत के कूड़ा द्वेचा गांव में नवीन सरस्वती विद्या मंदिर के उद्घाटन व नवीन प्रवेश समारोह मुख्य अतिथि कांग्रेस जिला अध्यक्ष एवं पूर्व विधायक डॉक्टर समरजीत सिंह के आतिथ्य में किया गया। समरजीत सिंह ने कहा कि कोई भी काम विश्वास की डोर पर टिका होता है और निजी स्कूलों में वातावरण व शिक्षा का स्तर गुणात्मक होगा तो बच्चे संस्कारवान व पढ़ाई में अव्वल होकर मुकाम हासिल कर पाएंगे जिसे ग्रामीण क्षेत्र में सरकारी योजनाओं का फायदा मिलेगा। डॉक्टर सिंह ने कहा कि जिसावास पंचायत के इस छोटे से गांव में सरस्वती विद्या मंदिर के संचालक यार मोहम्मद व संस्था प्रधान ओम प्रकाश ने पढ़ाई करवा कर बच्चों को संस्कारित करने का बीड़ा उठाया है वो काबिले तारीफ है। समारोह को लोकसभा अध्यक्ष आम सिंह परिहार, पूर्व प्रधान मोहम्मद सिंह चौहान, भवर सिंह कोरी द्वेचा ने संबोधित किया। वही कार्यक्रम में मदन सिंह चौहान बागुड़ा, जगदीश जिंगर, हाजी खान, हंजाराम भेद, विजयराम देवासी, नारायण गिरी गोस्वामी समेत कई ग्रामीण वहां उपस्थित रहे।
शंखुवाली में बढ़ रहा डेंगू का प्रकोप। मदन सिंह राजपुरोहित की जानकारी के अनुसार पिछले आहोर क्षेत्र के शंखुवाली गांव में 15 दिनों में 15 डेंगू के मरीज पाए गए हैं, लेकिन स्वास्थ्य विभाग की तरफ से इसके रोकथाम के लिए किसी भी प्रकार की कोई योजना नहीं बनाई जा रही है, जिससे महामारी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है और मरीज आए दिन अस्पतालों में भर्ती हो रहे हैं। शिवसेना की रानीवाड़ा तहसील कार्यकारिणी गठित। रघुवीर सोलंकी की रिपोर्ट के अनुसार आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए जिला प्रमुख भरत सिंह वालेरा के निर्देशानुसार रानीवाड़ा तहसील कार्यकारिणी का गठन कर पदाधिकारी को नियुक्त किया गया, जिसमें तहसील प्रमुख पद पर शिवलाल चौधरी, उप प्रमुख चंदन सिंह, महेंद्र प्रजापत एवं रावणा चिंटू सिंह बड़गांव को नियुक्त किया। इसी प्रकार रघुवीर सिंह सोलंकी को महासचिव, दर्शन सिंह रावणा को प्रवक्ता, राजवीर जोशी, कृष्णा चौधरी को सचिव, जीवाराम देवासी को संगठन सचिव, खेम सिंह देवड़ा को संयुक्त सचिव, नरपत सिंह सोलंकी को वित्त सचिव, नारायण सिंह राणावत को कार्यालय सचिव एवं कमलेश पुरोहित को पंचायत समिति सचिव पद पर नियुक्त किया गया। और अंत में मौसम विज्ञान की खबरों में, आज जालौर शहर का अधिकतम तापमान 44 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। जल समय के समाचार खबरों में आज इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए आगे दीजिए जय भारत, जय जालौर।